महाकाली शक्तिपीठ वतीने शक्ती महाराज यांच्या हस्ते सीडी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजितियासह समाजसेवक लप्पी सेठ जाजुदिया यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी अनेक पदाधिकारीसह अनेक समाजातील नागरिक सुद्धा या ठिकाणी हजर होते। अमरावती शहरातील असलेल्या श्री महाकाली शक्तिपीठ मंदिर ट्रस्टीच्या वतीने सीडी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजितिया यांच्यासह समाजसेवी चंद्रकुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजुदिया यांचा सत्कार करण्यात आला। अमरावती जिल्ह्यासह अनेक जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्या आपल्या चॅनलवर प्रसारित करून त्यांना न्याय देण्याचे सत्कार्य सीडी न्यूज चॅनल करीत असल्याने सर्व धर्मातील अनेक कार्यक्रमसुद्धा प्रसारित करून सर्व धर्म समभाव निर्माण करीत असल्याने डॉक्टर चंदू सोजितिया यांचा शाल श्रीफळ देऊन कालीमाता ट्रस्टी पीठाधीश्वर शक्ती महाराजसह सकल हिंदू समाज बांधवांनी सन्मान केला। याशिवाय अमरावती जिल्ह्यात निस्वार्थ समाजसेवा करणारे समाजसेवी लप्पी सेठ जाजुदिया यांच्यासुद्धा सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमात पुन्हा केंद्र सरकारने गोमातेला राष्ट्रीय माता म्हणून घोषित करण्यात यावे असा नारा शक्ती महाराज यांनी दिला आहे। मैं एक ही चैलेंज देता हूँ, जब तक कि अपनी गौ माता कसाई बंद नहीं करेंगे काटना, अपनी गौ हत्या भी रोक नहीं लगेगी, तस्कर भी रोक नहीं लगेंगी और अपनी गौ माता राष्ट्र घोषित नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। कैंसर नहीं, कैंसर नहीं, अपना हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं ये देश, ये मेरा चैलेंज है, लिख के रख लो आप लोग। हाँ ठीक है, सरकार मेरी है क्योंकि अपनी हिंदू सरकार है, मैं हिंदू सरकार को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर जब हिंदू सरकार है तो हमारे आमदार मिनिस्टर लोग खासतौर लोग सभी पूरे इंडिया के ये केंद्रीय सेशन में और हमारा महाराष्ट्र सेशन में ये बात उठना की है कि हमारी जब दूध की बात उठ सकती है, दूध की बात गौ माता की, तो फिर राष्ट्र घोषित होने के लिए बात क्यों नहीं उठा रहे हो? ये होना चाहिए, बात होना चाहिए। अगर सही में आप आमदार खासतौर पूरे इंडिया की बात कर रहे हो, मैं अमरावती शहर की नहीं बात कर रहा, देखो मेरा अमरावती शहर वालों पर भरोसा है कि मेरा अमरावती शहर वाले मेरे तर डॉक्टर चंदू सोजितियासह लप्पी सेठ जाजुदिया यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। बताया है कि जैसे भी बाबा जी को कुछ भी होता है तो सारी आपकी सेना है। सारी हिंदू सिर्फ सोया हुआ है, उसमें दोष नहीं है, सही आपको सिर्फ जगाना, जो आप काम कर रहे हैं जगाने का महत्वपूर्ण काम वो है। तो कहीं पर भी ठीक है, जो चल रहा है परंपरा बहुत सालों से चल रही है, बहुत सालों से कार्य चल रहा है, तो सारे चीज़ों को रोकना एक सबसे आसान है, लेकिन हमारी कोशिश जो है कहीं कहीं जाके हम उसमें सफल हो सकते, समय लगेगा। हम यदि कहें कि कल के कल सारा एक साल में बंद हो जाए तो शायद मुझे लगता संभव नहीं है। सब लप्पी पे कहीं में भी हम यदि असुरक्षित मानते हैं, 10 साल से यदि हिंदूवादी सरकार है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और यदि ऐसे परिस्थिति में भी यहाँ से देश छोड़ने की बात होती है तो किन सरकारों के साथ में हम सुरक्षित रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सुरक्षा हमको खुद को करनी है, सरकार के भरोसे नहीं रहना, चाहे किसी भी प्रकार की सुरक्षा हो, हमें हमारे घर की करना हो, हमारे परिवार की करना हो, हमारे माँ बहनों की करना हो, हमारे धर्म की करना हो, हमारे व्यापार की करना हो, किसी सब प्रकार से सुरक्षा कहीं ना कहीं आपको लगती है। हम सिर्फ एक चीज के लिए नहीं लड़ सकते, हमें हमारा परिवार भी चलाना, हमारा धर्म भी चलाना, परिवार भी है, मोहल्ला भी है, राष्ट्र भी है, देश भी है, प्लस हमारी सारी रिश्तेदारी भी है, दोस्त भी है, सबको हमको लेके चलना है, सबको संभाल के चलना है। तो उसमें संयम और जोश दोनों का संयम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज बाबा जी ने जो हम लोगों में विचार सोए हुए थे, जो इतने सालों से मैंने कहा कि परंपरा चल रही, परंपरा क्यों चली कि हम सोए हुए थे, यदि उसी समय रोक दिया जाता तो शायद आज बाबा जी को यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता था, हम शांति से धर्म की आराधना कर सकते थे। धर्म की आराधना को छोड़कर धर्म को बचाने का कार्य है बाबा जी को करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम लोगों ने ऐसे समय आपने कहा कि भी हम लोगों के पास रस्ते में थोड़े से लोग आए, जिससे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं।
सत्कार कार्यक्रमानंतर उपस्थित नागरिकांना बॅग भेट देण्यात आल्या, तर कार्यक्रमाचा समारोप हनुमान चालीसाचे पठण करून करण्यात आले.